ओके चलिए। तो क्या हुआ है बच्चों, मैंने आपको बताया, तो ये क्या हो गया, इससे आपकी जो डीएनए है, डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुई कि नहीं? हो गई, डेफिनेटली हो गई भाई। जो अभी तक आपके डीएनए में क्या मौजूद था, साइटोसिन मौजूद था, उस साइटोसिन में एक मिथाइल अमीन ग्रुप के ऐड हो निकल जाने से, अमीनो ग्रुप के निकल जाने से क्या हो गया, वो यूरासिल बन गया। उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह हो गई, यूरासिल की हो गई है, यानी कि वो जो बिहेव करेगा किसकी तरह करेगा, यूरासिल की तरह बिहेव करेगा। तो नेक्स्ट टर्न में यानी कि नेक्स्ट रेप्लिकेशन में वो क्या करेगा, अपने उसी कॉम्प्लीमेंट्री से, यानी कि यूरासिल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री से क्या करेगा, पेयर करेगा। तो इस तरह डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होगा। अच्छा, मैं बात कर रही थी बॉबल कॉन्सेप्ट की। बॉबल कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, बॉबल कॉन्सेप्ट ये होता है बेसिकली, आपने एक चीज यहाँ पे हो जाती है कि एक जैसा कोडून, एक ही कोडून कई सारे अमीनो एसिड्स को, कई सारे अमीनो एसिड्स को कैसे कोड कर सकता है। बेसिकली एक कोडून ही होता है। होता क्या है, एक साइंटिस्ट थे बॉबल, बॉबल का कहने का मतलब ये था, बॉबल का कहने का मिसाल ये था कि जो कोडोन होते हैं वो तीन अमीनो तीन बेसिस से मिलकर बने होते हैं, तीन नाइट्रोजन बेसिस या तीन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। तो इन तीन न्यूक्लियोटाइड में जो थर्ड नंबर का न्यूक्लियोटाइड होता है बच्चा, तो वो वॉबल होता है। वॉबल यानी कि चेंज होने वाला होता है। अगर हम उसकी स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो आपके कोडोन पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि थर्ड नंबर का जो कोडोन है उसको चेंज किया जा सकता है। तो वही क्या है, वॉबल है। तो बेसिकली यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं कि मैम ये जो चेंज होगा, ये चेंज लीथल होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये चेंज जिसके अंदर भी हो रहा है उसके लिए नुकसानदायक है या नहीं है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि पहली चीज तो वो किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा था, ठीक है। मान लो हो सकता है कि चेंज करने की वजह से, चेंज हो जाने की वजह से उसके अंदर स्टॉप कोडोन बन जाए, तो इस टाइप के, इस टाइप का जो चेंज होता है ना, तो इसको नॉनसेंस म्यूटेशन भी कहा जाता है, नॉनसेंस म्यूटेशन। मैंने आपको बोला था कि आपकी जो चलेगी क्लासेस वो ऐसी चलेंगी, यानी कि जो चीज यहाँ आएगी और इससे रिलेटेड होगी आपको वहीं के वहीं बता दी जाएगी। म्यूटेशन हालांकि आपका आगे दे रखा है, लेकिन इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ दो टाइप के म्यूटेशन है, दो टाइप के म्यूटेशन होते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन और मिससेंस म्यूटेशन, ठीक है। नॉनसेंस म्यूटेशन और मिससेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन वो होता है बच्चों कि मान लो आपके में ऐसा चेंज आया है कि चेंज आ जाने की वजह से उसके अंदर जो बनने वाला कोडोन है वो कौन सा कोडोन बन गया आपका, वो कोडोन बन गया आपका स्टॉप कोडोन, ठीक है। वो कैसा कोडोन बन गया आपका, स्टॉप कोडोन बन गया। मिससेंस म्यूटेशन क्या होता है, मिससेंस म्यूटेशन होता है स्टॉप कोडोन नहीं बना है पर कोडोन चेंज हो गया है। जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, कोडोन स्टॉप कोडोन नहीं बना है, अगर वो स्टॉप कोडोन बन जाता है तो वो ज्यादा नॉनसेंस म्यूटेशन, लेकिन कोडोन नहीं, स्टॉप कोडोन नहीं बना है, लेकिन हाँ आपका जो कोडोन है वो चेंज हो गया है। तो वही बात हम यहाँ कर रहे हैं, वो लीथल होगा या नहीं होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, अमीनो एसिड पर, यानी कि उस कोडोन के द्वारा बनने वाला अमीनो एसिड में क्या चेंज आया है, ठीक है। मान लो बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड बन रहा था और जो अब बनेगा वो कोई आपका नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है ना। मैंने आपको दो टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था 20 अमीनो एसिड्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें से 10 कैसे होते हैं असेंशियल होते हैं और 10 कैसे होते हैं नॉन असेंशियल होते हैं। तो बेसिकली मान लो कोई एक ऐसा था आपका असेंशियल अमीनो एसिड था जो अपनी बॉडी को जरूरी था, और कोडोन के चेंज हो जाने की वजह से वो अमीनो एसिड नहीं बन पाया, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, लीथल हो सकता है। अगली बात समझ में, तो ये होता है आपका मिससेंस म्यूटेशन। लेकिन अगर जो आपका कोडोन चेंज हो रहा है वो कोडोन कैसा बन जाए, आपका स्टॉप कोडोन बन जाए, तो वो कौन सा म्यूटेशन हो जाता है आपका, नॉनसेंस म्यूटेशन। आ रही बात समझ में, तो ये होता है आपका डीएमिनेशन। 5-मिथाइल साइटोसिन, हम मैंने बात करी थी यहाँ से साइटोसिन की, कि साइटोसिन से अगर अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाता है तो वो बन जाता है यूरासिल, और 5-मिथाइल साइटोसिन से अगर अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाता है बच्चों तो वो बन जाता है आपका थाइमिन। आ रही बात समझ में, दोनों पे आपको ध्यान रखना है, केवल अगर साइटोसिन दे रखा है, साइटोसिन से अगर आपका अमीनो ग्रुप रिमूव हो रहा है तो बन जाता है यूरासिल, और 5-मिथाइल साइटोसिन से अगर आपका अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाता है तो वो बन जाता है आपका थाइमिन। अरे बस मैंने 5-मिथाइल साइटोसिन क्या है, 5-मिथाइल साइटोसिन भी एक आपका ग्रुप होता है, एक आपका न्यूक्लियोटाइड होता है जो डीएनए प्रेजेंट होता है, कम मात्रा में होता है लेकिन होता है। आगे बस समझ में आपको, ठीक है। तो ये क्या है आपका डीएमिनेशन, अमीनो ग्रुप का रिमूव होना। दूसरा है आपका डीप्यूरिनेशन और डीप्रिमिडेशन। डीप्यूरिनेशन और डीप्रिमिडेशन मैंने आपको बताया, डीप्यूरिनेशन क्या है, प्यूरिन ग्रुप का रिमूव होना,
ठीक है ना, प्यूरिन ग्रुप्स का रिमूव होना यानी कि एडेनिन और गुआनिन का रिमूव होना, और डी पिरिमिडेशन क्या है, पिरिमिडिन ग्रुप का रिमूव होना यानी कि आपके साइटोसिन और थायमिन का रिमूव होना। ठीक है, इसमें क्या अंतर आता है बच्चों, बेसिकली ऐसा होता है कि जो प्यूरिन होते हैं ये बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि किसी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी ले लेते हैं, मेरी बॉडी के अंदर डीप्यूरिनेशन ज्यादा फास्ट रेट से होता है इन कंपैरिजन टू डीप्रिमिडेशन। ठीक है, डीप्यूरिनेशन और डीप्रिमिडेशन होगा कैसे, पहली चीज हम ये बात करते हैं। बेसिकली मैं कह रही हूँ प्यूरिन ग्रुप का रिमूव होना, मैं ये मिटा रेज कर दे रही हूँ। अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने डीएनए पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था डीएनए की ये क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है या नहीं है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और इससे लगा हुआ आपका फिफ्थ कार्बन, ऐसी बात कर रही हूँ। इस फर्स्ट कार्बन से क्या लगा होता है आपका नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस यानी कि कोई भी नाइट्रोजन से अटैच आपका कोई भी बेस, जैसे कि आपका मान लो एडेनिन, ठीक है ना, नाइट्रोजन फर्स्ट कार्बन होता है और आपके बेस का नाइन्थ नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना, इसका कॉन्फिगरेशन नाइन्थ नाइट्रोजन होता है, ये फर्स्ट कार्बन होता है और इन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पता है ना सबको, बात कर चुकी हूँ मैं इसके बारे में। ठीक है, इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होता है डीप्यूरिनेशन और डीप्रिमिडेशन में होता क्या है बच्चों, बेसिकली यहाँ से ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूट जाता है, तभी तो प्यूरिन ग्रुप पूरा की पूरा नहीं जाएगा, पूरा की पूरा न्यूक्लियोटाइड नहीं जाएगा, केवल क्या जाएगा आपका बेस जाएगा। और होता क्या है कि वहां जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के टूटने की वजह से क्या होता है आपका प्यूरिन ग्रुप्स या पिरिमिडिन ग्रुप्स अलग हो जाते हैं। तो प्यूरिन ग्रुप्स के जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं बच्चों, प्यूरिन ग्रुप्स के ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स क्या होते हैं आपके ज्यादा इजीली ब्रेक हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू पिरिमिडिन ग्रुप। अब इसकी जो रेट होती है वो होती है 10,000 पर्सेल इन वन आवर, इन वन आवर, जबकि अगर मैं पिरिमिडिन की बात कर रही हूँ तो वो इसका 1/20 होता है, पिरिमिडिन क्या होता है इसका 1/20 होता है, जबकि प्यूरिन की जो रेट होती है, प्यूरिन की रेट इन कंपैरिजन टू पिरिमिडिन क्या होती है ज्यादा होती है, आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये क्या है आपका डीप्यूरिनेशन। अब इसके बाद क्या था आपका ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज, तो ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है कि जब किसी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से, आपको इसमें क्या रखना है याद, कि जब किसी ROS मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, कि जब किसी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से अगर आपके डीएनए में कोई डैमेज आता है या कोई नुकसान होता है तो वो क्या हो जाता है आपका ऑक्सीडेटिव डैमेज। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कैसे होती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में जैसे कि आप लोग आपका हो गया सुपर ऑक्साइड हो गया, आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया, ठीक है, इन सब की वजह से अगर आपके डीएनए में कोई लॉस होता है तो वो क्या हो जाता है आपका ऑक्सीडेटिव डैमेज। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या डीएनए लेसन्स, आगे बढ़ समझ में सबको। बीच बीच में कमेंट करते रहा करो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है पूछते रहा करो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने पूछा था कि मैम टर्न और लूप में क्या अंतर होता है, ठीक है, इस तरह से पूछते रहो जिससे मुझे लगे कि आप लोग बैठे तो हो क्लास लेने, ऐसा थोड़ी ना कि मैं सिर्फ मैं बोल रही हूँ आप लोग हो ही नहीं क्लास लेते रहो, तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो बीच बीच में कमेंट्स करते रहा करो बच्चों, इससे पता रहे कि हाँ चल रही है वर्चुअल क्लास चल रही है, आप भी सुन रहे हो मैं भी पढ़ा रही हूँ, कमेंट करते रहो बीच बीच में। नहीं समझ आ रहा है कुछ भी तो पूछिए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ मेरी क्लास में आपको ऐसा नहीं है कि मैम कुछ रिएक्ट कर देंगी, हम कुछ ऐसा पूछ लेंगे, जो भी हो रहा है मैं गलत पढ़ा रही हूँ, अगर मेरा मैं आपको लग रहा है कि मैम ये चीज़ आपने गलत बोली है वो भी बता दीजिए, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है वो भी आप पूछ लीजिए, ओके, तो कुछ भी आप लोग पूछ सकते हैं पर पूछिए, लगना चाहिए कि हाँ क्लास चल रही है। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का क्या डीएनए डैमेज, इसी के साथ आपका है क्या म्यूटेशन। म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है म्यूटेशन, म्यूटेशन में क्या होता है कि म्यूटेशन कई तरीके का हो सकता है, यानी कि म्यूटेशन आपका
टेम्परेरी हो सकता है, म्यूटेशन आपका परमानेंट हो सकता है, म्यूटेशन आपका इनहेरिटेबल हो सकता है, म्यूटेशन आपका हेरिटेबल हो सकता है, म्यूटेशन आपका लीथल हो सकता है, म्यूटेशन नॉन लीथल हो सकता है, म्यूटेशन रिसेसिव हो सकता है, ये डोमिनेंट हो सकता है, तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। डिपेंड करता है किस में हो रहा है, यानी कि आपके डीएनए में मान लो ऐसी जगह हो रहा है जो कोडोन या जो अमीनो एसिड आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जाता है वहां हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कैसा हो जाएगा, हेरिटेबल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कोडोन में ऐसे जीन में हो रहा है जो आपका हेरिट नहीं होता है, आपका आगे नहीं जाता है, धूप में बाहर निकले, धूप में बाहर निकलने की वजह से स्किन में सनबर्न हो गई, ये भी म्यूटेशन है या नहीं, अपन टेम्परेरी, हेरिटेबल तो नहीं है कि मुझे सनबर्न हो गए तो मेरे बच्चों को भी सनबर्न हो जाएंगे, नहीं ना, ऑब्वियसली नॉट। तो वो कैसा हो जाता है, इनहेरिटेबल हो जाता है, ठीक है। लीथल हो जाता है, मैंने भी आप लोगों को नॉनसेंस म्यूटेशन बताया, नॉनसेंस म्यूटेशन में मैंने क्या बताया था कि जब कोडोन चेंज हो जाए और कोडोन के चेंज हो जाने की वजह से जो नया कोडोन बनता है अगर वो आपका स्टॉप कोडोन हो जाता है तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका लीथल हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि आगे बहुत सारे अमीनो एसिड्स को भी बनना है, लेकिन बीच में ही क्या हो गया है कि आपकी जो प्रोसेस है, जो आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो रुक गया है बीच में, क्यों? क्योंकि उसको स्टॉप कोडोन मिल गया है, तो वो क्या हो जाएगा फिर, आपका लीथल हो जाएगा। नॉन लीथल, कोई ऐसा फॉर्मेशन हो गया या ऐसा चेंज हुआ है जिससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, चाहे ये हो चाहे वो हो, अमीनो एसिड बन जाएगा तो उसको क्या होगा, नॉन लीथल होगा, ठीक है। टेम्परेरी, कोई ऐसा चेंज हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपको पढ़ाऊंगी कि म्यूटेशन में यूवी रेडिएशन की वजह से, म्यूटेशन में यूवी रेडिएशन की वजह से आपका प्रिमिटिन डाइमर बनता है, मिससेंस म्यूटेशन, वेरी गुड। ऐसे ही पूछिए आप लोग, मिससेंस म्यूटेशन, दो टाइप के म्यूटेशन मैंने आपको बताया, नॉनसेंस म्यूटेशन और मिससेंस म्यूटेशन। वैसे म्यूटेशन पे मैं इसी पे आ रही थी, आपका यही टॉपिक आएगा अभी, मिससेंस म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन, दो टाइप के म्यूटेशन होते हैं, दोनों ही आपके पॉइंट म्यूटेशन है, दोनों ही आपके पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन के टाइप्स है बेसिकली, मिससेंस म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन। क्या नॉनसेंस म्यूटेशन हो है बच्चों, कि आपके कोडोन में ऐसा चेंज हो जाना कि जो कोडोन है वो क्या बन जाए, आपका स्टॉप कोडोन बन जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है, ठीक है, स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए, ये है स्टॉप कोडोन, ठीक है। तो मान लो यहां पर आपका है यू ए सी दे रखा था, यहां पर यू ए सी दे रखा था और वही चीज हुई, कौन सी, अभी जो मैंने आप लोगों को बताई थी डीएमिनेशन, तो जो दूसरा राउंड बनेगा वो यूरेसिल से क्या बनेगा, एडेनिन से पेयर कर लेगा, तो बेसिकली ये चेंज हो गया आपका किसमें, यू ए ए में, तो ये क्या बन गया, स्टॉप कोडोन बना, बना। लेकिन आगे भी तो बहुत सारे अमीनो एसिड बनने बाकी हैं बच्चों, आगे बहुत सारा कोडोन है, आगे बहुत सारे अमीनो एसिड बनने वाले हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन आपका प्रोटीन सिंथेसिस यही रुकेगा कि नहीं रुकेगा, स्टॉप कोडोन पर क्या हो गया, रुक गया, तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, आपका लीथल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, क्यों, क्योंकि आगे की प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हुए हैं, तो ये हो जाता है आपका नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है, जिसमें आपका कोडोन क्या बन जाता है, स्टॉप कोडोन। मिससेंस म्यूटेशन क्या होगा, दोनों ही म्यूटेशन में कोडोन चेंज होता है, दोनों ही म्यूटेशन में क्या है, कोडोन चेंज होगा, लेकिन इसको ये लीथल हो जाता है हमेशा, क्यों, क्योंकि ये क्या बना देता है, आपका स्टॉप कोडोन बना देता है। जबकि मिससेंस म्यूटेशन क्या होता है, इसके अंदर कोडोन जो चेंज होगा, वेदर मे बी इट इज अ लीथल और नॉन लीथल, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो कोडोन चेंज हो रहा है, हो सकता है कि वो स्टॉप कोडोन बना दे, मे बी पॉसिबल है, और हो सकता है कि वो ऐसा चेंज कर जाए, ऐसा चेंज करे जो आपकी बॉडी में रिप्लेसेबल हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बोला एयूजी मिथियोनिन बना रहा है,
एयूजी मिथियोनिन बना रहा है, लेकिन एयूजी का और भी अमीनो और भी कोडोन है, कोई और कोडोन हो जाए जिससे मिथियोनिन बन रहा है या और कोई ऐसा कोडोन बन जाए जो मिथियोनिन बना सकता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये लीथल नहीं रहेगा ना, क्यों, क्योंकि इसकी पूर्ति जो कोडोन बना है वो भी कर सकता है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ये लीथल नहीं रहता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को, सबको आ गई बात समझ में, ठीक है। तो मिससेंस म्यूटेशन क्या होता है, कोडोन में चेंज होना, और चेंज होने के बाद वो चेंज में भी लीथल हो सकता है, यानी कि ऐसा कोडोन बन जाए जो आपके बॉडी के लिए लीथल है, और हो सकता है कि वो नॉन लीथल रहे, क्यों, क्योंकि चेंज हो जाने की वजह से उसको रिप्लेस किया जा सकता है या उसका अमीनो एसिड कोई और भी बना सकता है, ठीक है, वो होगा मिससेंस म्यूटेशन। और नॉनसेंस म्यूटेशन इज ऑलवेज लीथल बिकॉज इट फॉर्म द स्टॉप कोडोन, ये क्या बनाता है, हमेशा आपका स्टॉप कोडोन। आगे बात समझ में, मिससेंस म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है, इसी पे हम आ रहे थे। उसके बाद आप लोगों का और दे रखा है, क्या दे रखा है आप लोगों का, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, साइलेंट और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन के टाइप्स आपको दे रखे हैं, कौन कौन से, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, साइलेंट और फ्रेंडशिप, ये दे रखे हैं आपको, नाम से समझ में आ जाएगा, जरूरी नहीं है इन लोगों को, इनको आप मतलब बहुत ज्यादा याद करें, ऐसा नहीं है। देखो कैसे, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब किसी को खिसकाना और उसकी जगह ले लेना, मेरे ही जैसा कोई, मेरे ही जैसा कोई जिसकी जगह मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजिशन में क्या होता है, ऐसा म्यूटेशन जिसमें प्यूरिन प्यूरिन को रिप्लेस करें और प्रिमिडिन प्रिमिडिन को रिप्लेस करें, ठीक है, ऐसा म्यूटेशन जिसमें प्यूरिन प्यूरिन को रिप्लेस करें और प्रिमिडिन प्रिमिडिन को रिप्लेस करें। फॉर एग्जांपल, एडिनिन गुआनिन को रिप्लेस कर दे और साइटोसिन थायमिन को रिप्लेस कर दे, या वाइस वर्सा, या उल्टा, यानी कि गुआनिन एडिनिन को रिप्लेस कर दे और थायमिन साइटोसिन को रिप्लेस कर दे। आगे बस उनमें, तो ये क्या हो जाता है आपका, ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांसवर्शन उल्टा हो जाए, उल्टा यानी कि जब प्यूरिन प्रिमिडिन को रिप्लेस कर दे और प्रिमिडिन प्यूरिन को रिप्लेस कर दे, ठीक है ना, यानी कि मान लो एडेनिन, एडेनिन की जगह कौन ले ले, मान लो साइटोसिन ले ले, थायमिन तो लेता ही है, थायमिन तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है ही है, एडेनिन की जगह कौन ले ले, साइटोसिन ले ले, और गुआनिन की जगह कौन ले ले, थायमिन ले ले, या फिर वाइस वर्सा उल्टा, यानी कि साइटोसिन की जगह एडेनिन ले ले और थायमिन की जगह गुआनिन ले ले, ठीक है ना, यानी कि जब प्यूरिन को कौन रिप्लेस कर दे, प्रिमिडिन रिप्लेस कर दे, और प्रिमिडिन को कौन रिप्लेस कर दे, प्यूरिन रिप्लेस कर दे, तो उस केस को कहते हैं हम ट्रांसवर्जन। साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है, वही चीज है, साइलेंट म्यूटेशन क्या है, जो आपका नॉन लीथल हो, यानी कि ऐसा म्यूटेशन, म्यूटेशन तो हुआ है लेकिन कोई उसका फर्क देखने को हमें नहीं मिला है, ठीक है ना, म्यूटेशन तो हुआ है लेकिन उसका कोई ऐसा फर्क हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, जिसमें मैं आपको किसकी बात कर रही थी, मिससेंस की बात कर रही थी। लेकिन मिससेंस में क्या हो जाता है, मिससेंस में लीथल हो सकता है, ठीक है ना, मिससेंस में कैसा हो सकता है, लीथल हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाता है, कई बार कोडोन ऐसा चेंज हो जाएगा कि आप लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, आपके अमीनो एसिड को डिसरप्ट करेगा। छवि, ल्यूसीन जिपर हम आपको कल रिपीट कर देंगे बच्चा, क्योंकि अभी क्या है आपका टाइम नहीं रहा है, पर डेफिनेटली कल हम पहली क्लास लेते हैं आपका ल्यूसीन जिपर रिपीट कर देंगे, ठीक है ना, आप लोगों के डाउट्स हम आपके कल, ल्यूसीन जिपर रह गया है जो हम कल रिपीट करेंगे, आपको पक्का प्रॉमिस आपको कल रिपीट कर देंगे, इसको भी यहाँ कंप्लीट कर लें, ये टॉपिक फिर रह जाएगा बीच में, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। साइलेंट म्यूटेशन और फ्रेंडशिप म्यूटेशन, दो म्यूटेशन आपके रह गए। मैंने आपको बोला साइलेंट म्यूटेशन क्या है, साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है कि जब कोडोन चेंज हो जाए और कोडोन के चेंज हो जाने की वजह से क्या हो, कोई नुकसान ना पहुंचे,
ठीक है ना, चुप रहे वो, साइलेंट का मतलब चुप रहे, कोई म्यूटेशन है, म्यूटेशन हुआ है लेकिन उसके बाद कोई नुकसान हमारे बॉडी में देखने को नहीं मिला है, तो वो म्यूटेशन कैसा हो जाता है, साइलेंट म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या हो जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में हो जाता है जब बेसेस या तो एड हो जाए या फिर डिलीट हो जाए। ठीक है, जब बेसेस एड हो जाए या फिर डिलीट हो जाए, फ्रेम शिफ्ट यानी कि मान लो आपके ये कोडोन है, ठीक है ये कोडोन है, इस कोडोन के बीच में, इस कोडोन के बीच में कोई और बेस अभी आपका ऐड हो जाए तो वो क्या हो जाता है, फ्रेम शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब शिफ्ट करना, ठीक है किसी लाइन में आपने एक नया बेस ऐड कर दिया तो भी शिफ्टिंग होगी, और कोई एक बेस आपने डिलीट कर दिया तो भी शिफ्टिंग होगी, होगी कि नहीं होगी, तो उसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, किसी बेस का ऐड हो जाना या किसी बेस का डिलीट हो जाना। अभी बस समझ में, ठीक है तो ये हो गया आपके म्यूटेशन। अभी आपका म्यूटाजन्स बचेंगे कि कौन कौन से म्यूटाजन होते हैं, फिर उसके बाद बेसिकली हम डैमेज को भी पढ़ेंगे, जैसे कि आपका पिरिमिडिन डायमंड्स आपको दिए हुए हैं, डायमंड्स बन जाते हैं, और आपके कई सारे हैं जो आपके डैमेज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर रिपेयर भी पढ़ेंगे कल क्लास में। दूसरा और क्या लेंगे हम कल की क्लास में, आपका जो भी आपके डाउट्स हैं, मैंने आपको बोला था जो मोटिव्स हैं मैंने आपको सरफेस से पढ़ाए हैं, क्यों पढ़ाए हैं, क्योंकि पहली चीज बहुत डीप में आते नहीं है, दूसरी चीज एक बार आप उसे खुद पढ़ के आइए, जितने भी मोटिव्स हैं आप उसे पढ़ के आइए, कल सबसे पहले हम आपके सारे डाउट्स लेंगे, ठीक है ना। पहला हमें सबसे पहले क्या करेंगे, डाउट्स लेंगे, तो सभी बच्चों से मैं कह रही हूँ आप लोग शुरू करेंगे, आप लोग अपने अपने डाउट्स लिखते जाइएगा और मैं एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके, किससे रिलेटेड, आपके डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन से रिलेटेड या जो भी हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड, ठीक है ना। सभी आपका ल्यूसीन पेपर हम कल पढ़ाएंगे, पक्का प्रॉमिस, आपका कल ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए भाई, थैंक यू।